तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राहुल। तो फ्रेंड, IRCTC की बहुत ही बड़ी बिग अपडेट सामने निकल करके आई है। तो पहले हम तत्काल टिकट जब भी काटते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी, कभी कभी लॉग आउट हो जाता था। जैसे फिर कोई हम डेस्टिनेशन एड्रेस वगैरह डालते थे तो उसमें बहुत सारी समस्या हमारे सामने फेस करनी पड़ती थी, जिस कारण काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ता था। तो फ्रेंड, कोरोना काल में जब COVID-19 जब आया था तो उस समय आप देखते होंगे जब जो भी ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चली उस समय हमें डेस्टिनेशन एड्रेस डालना पड़ता था, जिसके कारण बहुत सारी समस्या होती थी और हम अपना टिकट नहीं काट पाते थे। होता था क्या कि तत्काल टिकट काटते समय लिमिट समय का जो टाइम है वो रहता था, उसके बावजूद हम लोग उसको फिलअप करते करते जो सीटें हैं वो पूरी फुल हो जाती थी। तो फ्रेंड, बहुत ही खुशी की बात है कि IRCTC ने जो है वो अपना नया अपडेट लाया और नए अपडेट के साथ उसने ये जो बग था डेस्टिनेशन एड्रेस का उसको ख़त्म कर दिया है पूरी तरीके से। तो फ्रेंड, आप अब जब भी अपने IRCTC वेबसाइट से तत्काल टिकट या वैसे नॉर्मल टिकट अगर काटते हैं तो उसमें फ्रेंड आपको बहुत ही सुंदर देखने को ये मिलेगा कि आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस फिलअप करना पड़ता था, यानी जहाँ हम जाते थे वहाँ का एड्रेस डालना पड़ता था पूरी तरीके से, पिन कोड वगैरह सारा, उसमें फ्रेंड हमें हमारा सारा समय ख़त्म हो जाता था। तो ये फ्रेंड जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब आप बेहिचक वहाँ पर जाएंगे, अपना सिर्फ नाम अपना पैसेंजर लिस्ट में माई मास्टर लिस्ट जो है उसमें आप सेव कर लेंगे, उसके बाद आप वहाँ से आराम से ये कर पाएंगे डायरेक्ट, और उसके बाद फ्रेंड बहुत ही आसानी से आप अपना टिकट बुक कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड तो